नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 2022 के चुनाव का सबको इंतजार था, अब तारीख भी तय हो गई है चुनाव की भी और परिणाम की भी। भाई, अब टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि सवाल और जवाब बाकी हैं। सबको इंतजार है टिकट का भी, क्योंकि सभी ने काम किया, मेहनत सभी ने की, लेकिन किसको मिलता किसको नहीं मिलता तकदीर की बात है या पार्टी का फैसला है। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इंजीनियर अजय कुमार। कम से कम डेढ़ दो साल से उन्होंने जीत तोड़ के मेहनत की कैंट के लिए, जहां शिवपाल यादव ने ये चीज भी कह दिया था कि अगर कोई प्रत्याशी है कैंट के लिए तो वो अजय जी हैं। अजय जी को ये कहा गया कि वो प्रत्याशी के रूप में ही कैंट में काम कर रहे हैं, उन्होंने किया भी, हर एक छोटे बड़े समस्याओं के लिए खड़े रहे, हर एक बड़ा से बड़ा और छोटे छोटा काम को अपने साथ लग कर खड़े होकर कराया उन्होंने। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि अब गठबंधन हो गया है कहीं ना कहीं, जो गठबंधन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के माइंड में चल रही हैं कि भाई टिकट का क्या है, जिन लोगों को तय किया गया था मिलेगा कि नहीं, सारे सवालों का जवाब आज हम लेते हैं। अजय जी, अजय जी आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। नमस्कार एकता जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अजय जी, हमारे दर्शक काफ़ी लंबे समय से आपके काम को देख रहे हैं और हर एक चीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में भी है और सभी के माइंड में चीज़ है कि क्या इस समय जो गठबंधन के बाद टिकट का क्या है, आपको मिलेगा कि नहीं, शिवपाल यादव ने कहा कि आपको टिकट मिलेगा। देखिए, जब तक प्रगतिशील पार्टी अलग से थी तब तक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैंट से मेरे को बोल दिया था कि आप प्रत्याशी हो और आप वहाँ तैयारी करो, और जब से गठबंधन हो गया है तो अब ये निर्भर करता है कि सपा के मुखिया अखिलेश जी को सारा बता दिया गया है कि अब वही सबके टिकट फाइनल करेंगे, और वहाँ से सर्वे कराने के बाद जो जिताऊ कैंडिडेट होता है और जिस भी सीट पे होगा उसको अब टिकट मिलेगा। तो सर, टिकट क्यों मिले आपको, क्योंकि अब तो सपा और प्रसपा एक है, उम्मीदवार भी कई हैं, तो आप ही को टिकट क्यों दे सपा? देखिए, सबसे पहले तो एक तो सर्वे कराना चाहिए किसने क्षेत्र में कार्य किया है। मैं पिछले डेढ़ दो साल से मैंने बहुत काम किया, मैंने कोरोना के टाइम पे जब सारे प्रतिनिधि घरों में बैठे थे तब मैं बाहर निकलता था, मैंने सैनिटाइजर मास्क सब कुछ वितरित करता रहा, थानों पर जाके जो चौकियाँ होती थी वहाँ पर जाके मैंने मास्क रखा दिए और बोला कोई भी अगर आता है बिना मास्क के तो पुलिस वालों से मैंने कहा था आप किसी को मारिएगा नहीं, उसको डांटिएगा नहीं, उसको मास्क दे दीजिएगा। जहाँ तक हम बात करें पत्रकारों की, जहाँ तक हम बात करें पुलिस वालों की, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके कोरोना जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता की, और जो शमशान घाट में जो लोगों ने थे उन्होंने भी कोरोना के लिए कार्य किया, तो मैंने इन सब को सम्मानित भी किया जिनको कोई भी सम्मान नहीं दे रहा था, जिनको सरकार भी सम्मान नहीं दे रही। क्षेत्रवासियों के लिए क्षेत्रवासियों के लिए मैं जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ वहाँ मैं देखता था कि गलियाँ खुदी पड़ी हैं, वहाँ कीचड़ जमा है, तो मैं वहाँ पे जो भी पदाधिकारी या जो अधिकारी होते थे उनको मैंने लेटर लिखे हैं, और कई जगह की सड़कें वहाँ पे दुरुस्त हुई हैं और बनी हैं, और जैसे मोती नगर में बाढ़ आ गई थी वहाँ लोगों को कपड़ा देना, वहाँ लोगों को खाना देना, वहाँ लोगों को बिस्तर देना, ये सारे कार्य मैंने किए हैं, और जहाँ पे भी कोई परेशानी मैं सुनता था मैं वहाँ चला जाता था। चलिए, इतने काम आपने किए, अगर टिकट नहीं मिलता है तब क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, टिकट तो मिलेगा ही, टिकट क्यों मिलना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो मेरा कैंट क्षेत्र है, कैंट से ही नाम से ही विदित है कि यहाँ पे फौजियों का गढ़ है, तो मैं एक फौजी हूँ, तो वहाँ पे एक मेरे साथ सिंपैथी है, मैंने लोगों के बीच में कार्य किया है, और हम अपने पूर्व सैनिकों के लिए पिछले 20 सालों से कार्य करते आ रहे हैं जब मैं राजनीति में भी नहीं था, तो सैनिक वोट पूर्व सैनिक वोट मेरे को मिल सकते हैं। मेरे पिताजी रेलवे में थे, मैं कैंट के रेलवे की कॉलोनी में पैदा हुआ और 21 साल की उम्र तक रहा, और पिछले 5 साल पहले तक मेरे पिताजी भी रेलवे कॉलोनी में रहे, और उन्होंने वहाँ पर उनकी पूरी जान पहचान है, रेलवे में जान पहचान है, रेलवे वाले मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे हैं, वो कोई बिजनेसमैन हो गया है, कोई उस क्षेत्र में सब लोग सेटल्ड हैं, कोई रेलवे में भर्ती हो गया, तो रेलवे का एक बहुत बड़ा वोटर हमारे साथ है, पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, और जो मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं राजनीति
गरीबों की कर रहा हूँ, हम जाति पात से हमारे ये भी आपने सही, लेकिन हम जा ये भी हम पूछना चाहेंगे, अगर आप जीत जाते, चलो टिकट भी मिल गया आपको, आप जीत जाते तो अब ऐसा आप क्या करोगे कि जो जनता के लिए भले के लिए होगा, जो किसी ने नहीं किया आप क्या करना चाहोगे? देखिए हमारी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जैसे हमने कहा 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे और बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्षेत्र में मैंने बहुत सारी चीज़ों देखी हैं जो वहाँ की परेशानियाँ हैं, जैसे वहाँ पे महिलाओं के लिए बाज़ारों में टॉयलेट नहीं है, मूवेबल पोर्टेबल टॉयलेट वहाँ रखे जा सकते हैं, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है और उस रोज़गार को हम लोग छोटे छोटे सहायता समूह बना के, जैसे मसाला पीसने का काम, पापड़ बनाने का काम, चिप्स बनाने का काम, दूसरी छोटी छोटी मार्केटिंग, मशरूम में लोगों को लगा के घर घर मार्केटिंग कराना, ये पूरा मॉडल मेरे पास तैयार है जो मेरे क्षेत्र के लिए है। तो रोज़गारी, दूसरा हम जो बेरोज़गारी उसको दूर करना है, रोज़गार देना, उसके बाद वहाँ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन सारे चीज़ों को हमें दूर करना है क्योंकि वहाँ पे जब जल भराव होता है, मच्छर होते हैं, डेंगू आते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ घर करती हैं। दूसरा अभी एक केस आया था कि पीने का पानी और सीवर का पानी दोनों मिक्स हो गए थे और बहुत सारे लोग बीमार हो गए, तो जब लोग बीमार हो गए तो पानी जो हमारा भर जाता है तो जल भराव का निकासी का हमें वो देखना होगा वहाँ पे। इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे काम है जो सरकार नहीं कर रही है, वहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, प्रतिनिधि निकलता ही नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि कोई आदमी MLA जो विधायक है, सभासद है या सांसद है, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अपनी पूरी निधि क्षेत्र में खर्च कर देता है तो पूरे देश का विकास हो जाएगा, तो उस वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहने की कि ये फलाना इस आदमी मतलब इस पार्टी का है और इस संबल से लड़ा है। मेरा एक कहना ये है कि जिस दिन लोग व्यक्ति विशेष को देखने लगेंगे, पढ़े लिखे लोगों को देखने लगेंगे, काम करने वाले लोगों को देखने लगेंगे पार्टी लाइन से उठ के, उस दिन हमारे देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी और हम लोगों की पूरी देश की जनता सुखी हो जाएगी। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अजय कुमार, कैंट प्रत्याशी, और उन्होंने कहा है जीतने के बाद वो जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन वो अभी से जो कर रहे करते रहेंगे अपनी, कि वो जनता के लिए वो सब करना चाहते हैं जो अभी तक जनता को नहीं मिला है। चलिए इसी के साथ मुझे नमस्कार।